आज एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम पढ़ेंगे विड टूल के बारे में, वॉर्म टूल के बारे में, बोल्ट टूल के बारे में, पकड़ टूल के बारे में। और इसके अलावा कलर पिकर के बारे में, प्रिस्पेक्टिव के बारे में, प्रिस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल के बारे में और स्पिरिट टूल के बारे में। स्प्रे टूल के अंदर स्प्रे शिफ्टर टूल के बारे में, स्प्रे स्क्रंचल टूल के बारे में, सैंपल साइजर टूल के बारे में, सैंपल स्पिनर टूल के बारे में, सैंपल स्टैनर टूल के बारे में, सैंपल स्क्रीनर टूल के बारे में, सैंपल स्टाइलर टूल के बारे में। सबसे पहले विड टूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्प्रे टूल लिया। और विड टूल लिया शिफ्ट बी से, शिफ्ट बी शॉर्टकट की है विड टूल की। विड टूल लिया, विड टूल से थोड़ा इसको ऐसे मोटा कर दिया। मोटे के बाद मैंने यहाँ पे एक एक आग बना दी। यहाँ मैंने एक आग बना दी। और नीचे लिख दिया मैंने लोगो। और टैगलाइन ये बन गया आपका एक सिंपल सा लोगो। हम विड टूल की मदद से देखें कितनी आसानी से एक लोगो बना लिया हमने। ये पेंगुइन लोगो है, ये पेंगुइन है, देखने में ये एक पेंगुइन है, तो ये एक पेंगुइन लोगो है। एक पेंगुइन का आसानी से हमने लोगो बना लिया है। फिर इसके अलावा हम क्या क्या बना सकते हैं? इसके अलावा वॉर्म टूल है। एक यहाँ पे हम बॉक्स बनाते हैं रेक्टेंगुलर, और वार्प टूल से हम देखें क्या कर सकते हैं। वार्प टूल से हम इसको दबा सकते हैं। ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला सिर्फ विड टूल है इसमें। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल इसमें विड टूल है। फिर ट्रिल टूल के ऊपर आते हैं। ट्रिल टूल से ये ट्रिल कर देगा। फिर इसके बाद पकड़ टूल है। पकड़ से ये अंदर दबा देगा इसको। फिर बोल्ट से उभार देगा। स्क्लॉप टूल से ये नौके निकाल देगा। क्रिस्टलाइज टूल से ये भी नौके ही निकालेगा, लेकिन अलग तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं। और ब्रिंकल टूल से भी ये कौन नौके ही निकालेगा। सबसे ज़्यादा टूल इसमें जो यूज़ होता है वो विड टूल होता है। जैसे अभी हमने दिखाया आपको कि विड टूल की मदद से हमने कितना आसानी से कितना अच्छा लोगो बना दिया। अब इस लोगो को और इन्हेंस करने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे और अच्छी सी चीज़ बना सकते हैं। ये चीज़ आपको लोगों को पसंद नहीं आई तो बंद कर देते हैं। ऐसा खूबसूरत सा लोगो बना देते हैं।
या ऐसा खूबसूरत सा लोगो बना देते हैं। आसानी से ये इस तरह का अच्छा सा लोगो बन गया है। फिर हम पढ़ेंगे कलर टूल के बारे में, ओ सॉरी कलर पिकर के बारे में। यहाँ पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो देखें ये कलर सेलेक्ट कलर है। यहाँ से कलर हम सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्टिंग एरिया है, यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करते हैं। और ये कलर स्लाइडर है, ये कलर स्लाइडर है, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं। जो उन सभी कलर करना है हम यहाँ कलर स्लाइडर पे लाके यहाँ सेलेक्ट करते हैं, जब ही यहाँ पे सेलेक्ट आता है। फिर इसके बाद H है, H से H फॉर ह्यू, H U E ह्यू, ह्यू स्टैंड फॉर कलर, कलर ह्यू ही होता है, ह्यू कलर होता है। S स्टैंड फॉर सेचुरेशन, उसकी इंटेंसिटी। B फॉर ब्राइटनेस, ब्राइटनेस से ब्राइटनेस होती है। फिर आ जाता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू कलर मूड। मैंने आपको बताए थे दो तरह के कलर मूड होते हैं, एक RGB होता है, एक CMYK होता है। RGB स्क्रीन कलर होता है, CMYK प्रिंटिंग कलर होता है। शार्प कलर, मीठा कलर जो होता है वो RGB होता है, और जो थोड़ा बोरिंग सा यानी फीका कलर होता है वो CMYK होता है, वो प्रिंटिंग कलर है और RGB स्क्रीन कलर है। फिर इसके बारे में यहाँ कलर स्विचेस दिए हुए हैं, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर स्विचेस दिए हुए हैं, कलर स्लाइडर दिया हुआ है, यहाँ भी कलर स्विचेस डिफरेंट डिफरेंट दी हुई है। जो भी कलर करना है आपको आप कर लें। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं पर्सपेक्टिव पे, पर्सपेक्टिव टूल। शिफ्ट पी शॉर्टकट की है, शिफ्ट पी प्रेस करूंगा तो पर्सपेक्टिव खुल जाएगा। अब पर्सपेक्टिव तीन तरह के होते हैं। पहला वाला पर्सपेक्टिव, दो ट्रेन की पटरी है वो बराबर बराबर में से जा रही है, वो दूर होते हुए आपको एक एक पटरी होती हुई नज़र आएगी, मिलती हुई नज़र आएगी, वो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, दूर की चीज़ आपको करीब, जब आप कोई किसी बिल्डिंग के करीब जाएंगे तो वो बिल्डिंग आपको बड़ी नज़र आएगी, दूर जाएंगे तो वो बिल्डिंग आपको छोटी नज़र आएगी, ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव है। थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव, किसी चीज़ को आप ऊपर से देख रहे हैं, डेप्थ में देख रहे हैं, डेप्थ से देख रहे हैं तो वो आपको डेप्थ नज़र आती है, वो थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। अब सबसे पहले मैं एक सिलेक्शन, ये विजेट दिया हुआ है, विजेट कहते हैं कंट्रोलर, ये कंट्रोलर है। ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू, लेफ्ट प्रेजेंट कर रहा है ब्लू को यानी इस वाले एरिए को, राइट प्रेजेंट कर रहा है ऑरेंज को इस वाले एरिए को, और ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है बॉटम को इस एरिया को। सबसे पहले मैं ब्लू सेलेक्ट करूँगा, ब्लू सेलेक्ट करके मैंने एक रेक्टेंगुलर बनाया। यहाँ पे कलर मैंने कर दिया ये वाला, फिर ग्रीन वाला, फिर ये ऑरेंज वाला किया, ऑरेंज वाले पे मैंने ये वाला कलर कर दिया। तरह ग्रीन हिस्सा हमने लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए बिल्डिंग। आई ड्रॉपर लिया, ये वाला कलर कर दिया।
अगर मैं सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करूँगा तो आपको इस तरह नज़र आ रहा है। देखें, सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करने पे ये आपको इस तरह नज़र आ रहा है, जबकि मैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से करूँगा तो ये आपको इस तरह सेलेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको फ़र्क नज़र आ गया दोनों में। अब शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये पर्सपेक्टिव हट जाएगा। देखें, घर जैसा ये बन गया। फिर आता है स्प्रे टूल, शिफ्ट एस शॉर्टकट की है, शिफ्ट एस शॉर्टकट की है, शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो स्प्रे टूल आ जाएगा। पी के बराबर में जो एरोज दिए, पी के बराबर में जो ये ब्रैकेट दिए हुए, इस ब्रैकेट से ये साइज इसका छोटा होगा, इस ब्रैकेट से साइज बड़ा होगा। राइट ब्रैकेट से इसका साइज बड़ा होगा, लेफ्ट ब्रैकेट से इसका साइज छोटा होगा। सैंपल खोल लेते हैं, फ्लावर का सैंपल लिया। अब यहाँ सैंपल्स मैं स्प्रे कर रहा हूँ, फिलहाल तो ये डिस्ट्रक्टिव काम है, यानी टोटल कंट्रोल हमारे हाथ में अभी नहीं है, लेकिन आगे जाके कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। पहला टूल है सैंपल शिफ्टर टूल, ये सैंपल को शिफ्ट करता है, सैंपल को शिफ्ट करेगा ये। करीब लाना है तो करीब भी ले आएगा। दूसरा टूल है सैंपल स्क्रेंचल टूल, यानी ये करीब करेगा। ऑल्ट प्रेस करके करेंगे तो ये दूर करेगा। फिर सैंपल साइजर टूल, इससे साइज बड़ा होगा, ऑल्ट से करेंगे तो साइज छोटा होगा। फिर है सैंपल स्पिनर टूल, इससे स्पिन होगा। देखें, ये गोल ही है, अगर हम गोल को स्पिन करेंगे तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ से ये सेम ही होता है। फिर इसके बाद सैंपल स्टेनर टूल, अगर यहाँ पे हम कलर ले आते हैं कोई सा भी तो कलर ये कर देगा, ये स्टेन कर रहा है। फिर सैंपल स्क्रीनर टूल, स्क्रीनर लाइट करता है, स्क्रीनर ओपेसिटीज की कम करता है, लाइट करता है। ऑल्ट के साथ करेंगे तो डार्क करेगा। सैंपल स्टाइलर टूल है, यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है। देखें, स्टाइल आ रहा है। आज की क्लास में हमने पढ़ा है विड्थ टूल के बारे में, वॉर्म टूल के बारे में, बॉल टूल, बगर टूल के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा हमने कलर पिकर के बारे में पढ़ा है, पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ा है, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ा है, और स्प्रे टूल के बारे में पढ़ा है, और स्प्रे टूल के जितने ऑप्शन हैं उसके बारे में पढ़ा है। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर हमने प्रैक्टिस कर ली है।